everyone, welcome back to the channel once again. So how are you all doing? I hope you guys are doing good and I'm doing good too. Well, this video is about a different part of me and something that I really cherish and like doing. Here are two additions to my family, and these are some of the plants which I had been planning to have them in my home. So one is this bay leaf plant and this one is a bamboo plant that I've got. Yes, so this is an evening that I'm sharing and it's Monday right now, and so I'm going to the terrace right now to get all the washed clothes which are dried. And yes, this is another planter. So I'm planning a lot of additions to my home in terms of getting some very good plants. Yes, let that be a surprise. And I'm going to share a beautiful view from my terrace. This is a place where I love to visit and spend some time, and whenever I have got, you know, I get some time for myself, I love coming to the terrace and spend some me time and see the sunset and listen to some music. Yes, this is something and something that I love doing. I like doing. So whenever I'm here, I feel like I'm amidst the nature, and मेरे दिमाग में बहुत सारी thoughts, बहुत सारे ideas आती हैं. उन्हें मैं बहुत ही शांत environment में सोच सकती हूँ. Yes, and this is, I hope आपको ये view अच्छा लग रहा हो. तो चलिए मैं शेयर करती हूँ कि मैं इवनिंग्स को और भी कुछ मेरी चीज़ें हैं जो मैं करना पसंद करती हूँ. जैसे कि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी धुनुची से. आई होप बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग अगैन एंड स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स. इसे हम धुनुची कहते हैं, जिसमें नारियल का जो छिलके होते हैं उन्हें हम जलाते हैं और एक यू नो भगवान को हम धुआं यू नो दिखाते हैं, जिससे पूजा भी होता है. घर में हम इसे हर रूम में स्प्रेड करते हैं, हर रूम में जाके दिखाते हैं. तो इससे मुझे एक इतना अच्छा सा अच्छा काम और सूदिंग इन्वायरमेंट की महसूस होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड यस, स्पेशली ये विंटर्स में मैं इस प्रैक्टिस को फॉलो करती हूँ. और आप में से कौन कौन अभी भी इस यू नो प्रैक्टिस को फॉलो करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा. शाम हो गया है अभी फिलहाल. आई जस्ट चेक एंड टेल यू व्हाट इज द टाइम. ओके, अभी 6 बजने को है और मैंने अभी शाम का जो हमारा पूजा होता है वो कर लिया है, जिसको हम बिहारी में शोंधे दवा बोली बोलते हैं. आपने अभी देखा कि मैंने अभी धूप जलाया, उसे धुनुची बोलते हैं, जिसमें हम यू नो नारियल का जो छिलका है उसे डाल के फिर कुछ पाउडर तरीके का होता है जिससे और भी ज़्यादा धुआं और बहुत ही अच्छी सी एक सुगंध आती है उससे, वो जलाते हैं शाम को. ये मैं हर रोज़ हर शाम को जलाती हूँ. ओके, लेट्स हैव अ चिट चैट नाउ. और दूसरी बात ये है कि इससे और एक फ़ायदा भी होता है. आप इससे अगर आप चलाते हो आपके घर पे तो मच्छर भी आपके घर से दूर ही रहते हैं. और आपने देखा ही होगा कि मैंने धुएं के साथ उस धुनुची में मैंने तेज पत्ता भी डाल के जलाया था. जब आप तेज पत्ता जलाते हो घर पे तो इससे बहुत सारी बेनिफिट्स आती है, जैसे कि आपकी जो एंजाइटी है उसे रिड्यूस करती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है, आप और भी ज़्यादा अलर्ट रहते हो, आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको क्लियर करती है.
इट्स देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स जब आप तेज पत्ते को घर पे ऐसे जलाते हो और घर पे हर रोज इसका एक प्रैक्टिस आप रखते हो. हाउएवर ये मैंने कहीं पे पढ़ा था और उसके बाद से मैं इसे फॉलो कर रही हूँ. एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप जो भी प्रैक्टिस करो यू नीड टू बिलीव दैट प्रैक्टिस. जब हम पढ़ाई भी करते हैं वी नीड टू बिलीव इन आवर सेल्व्स और उस पढ़ाई पे भी बिलीव करना चाहिए जो हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तभी जाके उसका फल हमें मिलेगा. तो व्हाटएवर कुछ भी जो ऐसा चीज है जो आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हो, जैसे ये छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं ये धुआं जलाती हूँ या फिर उसके साथ जो है बे लीफ या फिर तेज पत्ता जिसे कहते हैं उसे चलाती हूँ हर रोज हर शाम को, तो उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है जो मैं बिलीव करती हूँ वो है. एंड आई हैव रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, उसमें भी यू नो मैंने पढ़ा है कि उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं एंड दैट इज व्हाई आई प्रैक्टिस दिस ये जो बे लीफ को जलाने की प्रैक्टिस है वो मैं फॉलो करती हूँ. ऑलराइट, तो मैंने रिसेंटली firstcry.com से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी रायन के लिए, मैंने वो यूज़ भी करना शुरू कर दिया है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दोज प्रोडक्ट्स विथ यू ऑल, क्योंकि विंटर्स आते ही हमारे जो स्किन की ड्राइनेस वो बढ़ जाती है, हमें बहुत ही ज़्यादा अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत होती है. उसी तरह हमारे जो बच्चे हैं उन्हें भी यू नो उनके जो स्किन है उसको टेक केयर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और उसके लिए जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है आपके बच्चे के लिए बेस्ट है आपको वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए. तो मैंने जो पहला प्रोडक्ट लिया है वो है अवीनो बेबी पीडियाट्रिशियन रिकमेंडेड डेली मॉइस्चर लोशन, ये वो है. एंड मैं ये रायन को हर रोज़ लगाती हूँ उसके चेहरे पे, उसके बॉडी पे. स्पेशली मैं उसके चेहरे पे इसे लगाती हूँ एंड आई हैव सीन अ डिफरेंस इन आई बीन यूजिंग दिस. दो हफ्तों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, दो हफ्तों पहले मुझे ये प्रोडक्ट्स आ चुकी थी. तो ये प्रोडक्ट है एक, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट. जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो भी एक लोशन है जो मैंने लिया है, वो है सेटाफिल बेबी लोशन. इट्स अ डेली लोशन विद शिया बटर. दिस इज अ फेस एंड बॉडी लोशन एज वेल. इट प्रिजर्व्स स्किन बैरियर, हाइपो एलर्जेनिक, कंटेंट्स ग्लिसरीन. सो ये रहा सेटाफिल, ये भी मैं ड्राइंग को लगाती हूँ हर रोज. और ये स्पेसिफिकली मैं सिर्फ बॉडी में ही लगाती हूँ उसके, और फेस में मैं अवीनो बेबी लगाती हूँ. उसके बाद जो मैंने लिया है वो है मामा अर्थ का मॉस्किटो रेपेलेंट. ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आती है, ये जो है मैंने दो पैकेट्स लिए हैं. मामा अर्थ का जो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है एंड आई ट्रस्ट दिस ब्रांड. ये बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है. एंड यस, अवीनो बेबी एंड सेटाफिल, दीज आर ऑल्सो सम ब्रांड्स विच आई रियली ट्रस्ट एंड फॉर माई बेबी, बिकॉज हम सब अपने बच्चों के लिए सब हमेशा अच्छा ही चाहते हैं. तो यस, तो मैंने ये चूज करके लिया है मामा अर्थ का नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. ये मैं रायन को तब लगाती हूँ जब वो नीचे जाता है खेलने के लिए या फिर हम उसे बाहर लेके जाते हैं, तो ये मैं उसके बॉडी में लगा देती हूँ. मामा अर्थ का मॉस्किटो पैचेस भी आते हैं, तो वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है. आई विल डेफिनेटली ट्राई द पैचेस एज वेल. उसके बाद जो मैंने लिया है वो है मामा अर्थ का आफ्टर बाइट रोल ऑन. जब भी आपके बच्चे को मॉस्किटोस काटते हैं या फिर यू नो उसको कुछ इचेस या फिर रैश होती है तो उसे ये रिड्यूस करती है. एंड ये एक रोल ऑन है, देखिए, और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही सूदिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है. बिकॉज मैं रायन के लिए बचपन से ही और भी जब छोटा था मैं स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती थी. मैं खुद बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल मुझे आती है. एंड सेम गोज विथ माई चाइल्ड एज वेल, आई डोंट प्रेफर यूजिंग एनीथिंग विच हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल.
इवन ये मॉस्किटो रेपेलेंट जो है, इसकी भी जो सुगंध है वो भी बहुत ही नेचुरल से सुगंध है। आपको इसकी सुगंध आप जब लोगे इसी से आप समझ जाओगे बहुत ही सेफ है बच्चों के लिए। एंड दिस कम्स विद सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास। ओके, एंड ये अप टू 8 आवर्स प्रोटेक्शन देता है, तो ये लिया है। और इसके साथ मुझे फर्स्ट क्राई से ये एक प्रोडक्ट आया है एज अ सैंपल टेस्टिंग के लिए। ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, मदर्स पर्च ब्रांड का है। एंड ये टमी रोल ऑन है, 100% आयुर्वेदिक हींग एंड सॉफ ऑयल, इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम कॉलिक, इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। ये एक सैम्पल पैक है, ये 3+ मंथ्स के बेबीज के लिए है। इसका जो डब्बा आता है वो कुछ इस तरह से है, छोटू सा, इसे हम ऐसे खोलते हैं। ये एक टमी रोल ऑन है, देख सकते हो। यस, तो इसे बेबीज की टमी में रोल कर देना है जैसे कि इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ताकि उसकी उसको अगर पेट में दर्द है इसी तरह की कॉलिक इंडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन है उससे उसे रिलीफ देती है। वेल, ये था मेरा firstcry.com का एक छोटू सा हॉल मेरे बच्चे के लिए। ऑलराइट, चलिए अभी शाम हो चुकी है, मुझे अभी चाय बनाना है, फिर मम्मी को भी चाय देनी है, खुद भी पियेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ चाय बनाने के लिए, और अभी मैं बनाऊंगी चाय। मैं पहले चाय जो पानी है वो गर्म कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं उसे चाय बनाने की जो यूटेंसिल है उसमें डाल के चाय बनाती हूँ। इससे जो है थोड़ा जल्दी बन जाता है, और गैस में थोड़ा टाइम लगता है पानी को गर्म होने में। DOCTOR डॉक्टर। हाय एवरीवन, तो चाय हमने शाम की पी ली थी सब मिलके, और उसके बाद मैं अभी आई हूँ किचन में डिनर के लिए। और डिनर में बहुत ही सिंपल है, मैंने आलू की भाजी बनाई है, आलू कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन का, और एक दाल है, एंड मैं यहाँ पे फिश फ्राई कर रही हूँ। यस, गरम गरम फिश फ्राइज विद आलू भाजी एंड दाल विद हॉट स्टीम राइस, तो यही होगा हमारा डिनर आज के लिए। और मैं आपको ये ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ कल सुबह तक। टिल देन यू ऑल हैव अ गुड नाइट एंड एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली।